नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया था, और उम्मीद करता हूं आपको वो पूरी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब हम इस वीडियो में उस डेटा का यूज़ कैसे करें, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने तो आपसे ये कहा था कि आपको बिज़नेस के लिए, अगर आप रियल इस्टेट फील्ड में हो, तो मैं आपको उस वीडियो में भी आपको रेकमेंड किया था और आज भी करता हूँ कि आप उसके लिए बिज़नेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई हाय भेजता है तो उसका तुरंत रिप्लाई सामने वाले को ऑटोमेटिक चला जाता है। अगर आप किसी कारण मैसेज रिसीव नहीं कर सकते हो तो भी सामने वाले को एक मैसेज चला जाता है जो आप उसमें फीड करते हो, तो ये एक अच्छा ज़रिया है। दूसरा, आपने जो भी अपने बिजनेस का नाम सोचा होगा, जैसे अभी मेरे बिजनेस का नाम है बोजो प्रॉपर्टीज़, तो उस नाम से मैं आपको सब फ्री वाली टिप्स दे रहा हूँ जिसमें आपका एक रुपया नहीं लगने वाला है। बाकी सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट वेबसाइट ये भी ज़रूरी है, लेकिन शुरुआती दौर में आप ये फ्री वाली चीज़ें कर सकते हो। अब लगभग 90% लोग तो फेसबुक का इस्तेमाल कर ही रहे हैं हमारे देश में, हमारे शहर में। तो इस जगह आपको आपके फेसबुक अकाउंट से कनेक्टेड एक आपको पेज बनाना चाहिए, जो भी आप अपने बिजनेस का नाम देते हो, और उसमें जो कैटेगरी होता है वो बिज़नेस कैटेगरी होना चाहिए उस पेज का। तो ये तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कि आपका जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो आपके पास आ रही है किराए पे देने के लिए, बेचने के लिए, तो आप उसमें अपलोड कर सकते हो, उसमें तो आपका एक रुपया लगना नहीं है। उसकी फिर बाद में आप लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये पेज पे उसका डिटेल्स पूरा है, तो ये आपको बहुत ही काम आता है। दूसरी चीज, फेसबुक पे ही एक फीचर है मार्केट प्लेस का, उसमें ज़्यादा लीड्स तो नहीं आती है लेकिन जो भी आती है सम्मानपूर्वक आती है, तो उसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर भी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो आपके बिजनेस के नाम से नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपके नाम से होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपको लीड जनरेट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और फ्री में, इसमें आपका कहीं भी एक रुपया लगना नहीं है। मेरी शुरुआती दौर पे उस समय फेसबुक पेज का इतना मतलब क्रेज़ नहीं था और इतनी कैटेगरीज नहीं थी फेसबुक पेज में, जो कि आज दुगनी तिगनी हो चुकी है। उस समय मार्केटिंग का फीचर नहीं था फेसबुक पे, लेकिन आज है और आज मैं खुद भी उसको इस्तेमाल करता हूँ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, आपके मोबाइल में समझो 200 नंबर्स आ चुके हैं जो हमने डेटा कलेक्शन के दौरान हमने लिया था, तो वो 200 नंबर में से मिनिमम 50 से 60 लोग तो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होंगे, है ना। तो वही लोग आपको जो है फेसबुक पे पेज पे उनको लिंक सेंड कीजिए, इस तरीके से आपके क्लाइंट्स आप बनाइए, भले वो ले ना ले, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी उन तक पहुंचनी चाहिए। क्या पता सामने वाले व्यक्ति ने, उसको वो चीज़ अच्छी लगी, वो प्रॉपर्टी अच्छी लगी, तो उसने आपका लिंक किसी और को शेयर कर दिया, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपको दूसरा रिकमेंडेशन फेसबुक पेज का देता हूँ। उसके बाद टेलीग्राम है, ऐसे अनेक माध्यम हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ के लोग कौन से सोशल मीडिया का अकाउंट इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे करते हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस दीजिए। इसमें आपका एक रुपया नहीं लगना है, आपका काम बनते जाना है। तो ये हो गया आपको आपका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे, कहाँ और कब अपलोड करना है।
कोशिश किया कीजिए कि जो भी आप अपलोड करते हो वो सुबह 11 से पहले आप कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग जो है 11 11:30 बजे तक लास्ट जो बिजी लोग हैं वो 11 बजे तक लास्ट सोशल मीडिया पर रहते हैं, उसके बाद में शाम को। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक ये सब चीज़ें सारी तक समझ में आ चुकी हैं। अब आप कहेंगे ये सब चीज़ें तो हमको मालूम ही है, इसमें नया क्या है? तो साहब देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने आज तक क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप किस क्षेत्र से काम करते थे मुझे वो भी नहीं पता है, लेकिन मैंने रियल इस्टेट की जो शुरुआत की थी मैंने और जो मैं आज तक कर रहा हूँ, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। धीरे 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 जैसे आपको लगता है कि हाँ अब मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे कुछ लीड्स अगर जो मैंने पोस्ट किया है उस पर मुझे लीड्स मिल रही है, मेरा बिजनेस हो रहा है, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। अच्छा, वेबसाइट में भी अमूमन ये देखा गया है कि आपको सोशल मीडिया पे आपको ऐड आ जाती है, 2,500 में अपना वेबसाइट बनाइए, 4,500 में वेबसाइट बनाइए, तो यकीन मानिए वो वेबसाइट आपके किसी काम का नहीं है। सिर्फ आपका नाम कि हाँ भाई बोजो प्रॉपर्टीज़, किसी ने पूछा तो आपने लिंक शेयर कर दिया, वो बोजो प्रॉपर्टीज़ का वेबसाइट ओपन हो गया। उसमें क्या है क्या नहीं है वो किसी के कुछ काम का नहीं है। तो आपको वेबसाइट ऐसे बनवाना है जैसे आप फेसबुक पेज पे अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपलोड करते हो, जैसे आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है अपलोड करते हो, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट भी वैसी ही होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए। तो आप जब वेब डेवलपर से आप जब बात करोगे, अगर हर जगह अपना अपना अलग अलग रेट है, 2,500 से 4,500 तक बन जाती है वेबसाइट, तो उस समय आप उसको कंडीशन रखिए, ठीक है मुझे आपसे ये बनवाना है, उसमें आप उससे कंडीशन रखिए उस व्यक्ति से कि मुझे एक पेज ऐसा क्रिएट करो उसमें कि जिसमें मैं खुद मेरी जानकारी, मतलब मेरे पास जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है मेरे बिजनेस के बारे में, मैं उसमें अपलोड कर सकता हूँ अपने हाथों से। क्योंकि जो वेबसाइट आपका क्रिएट करता है वो आपको ये सब चीज़ ये सब जानकारियाँ देता नहीं है, बस आपने वेबसाइट बन गया, साल भर के लिए आपने डोमेन खरीद लिया, अब वो साल भर में उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा आपको पता नहीं है। आपका फेसबुक लिंक अगर पेज लिंक अगर उसमें कनेक्ट होएगा तो जो आप पेज पे पोस्ट करते हो वही आपके वेबसाइट पे दिखता है, लेकिन जब आपको फेसबुक का ही आपको जो भी आपने पोस्ट किया है प्रॉपर्टी वो आपको वेबसाइट पे दिखाना है तो वेबसाइट बनाने का मतलब क्या? तो इसके लिए एक स्पेशल पेज उसमें ऐसा क्रिएट करवाइए कि आप जो पेज पे आप डाल रहे हो वो आप अपने वेबसाइट पर भी उसको पोस्ट कीजिए, इससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। अभी जैसे बहुत सी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, मैजिक ब्रिक्स है, housing.com है, 99acres है, ये क्या करते हैं, हम लोग बड़ा बड़ा पैकेज, अभी उसमें से एक दो जगह पर मेरा खुद का मैंने पैकेज लिया हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि उन्होंने छः महीने का पैकेज लिया था और पहले 3 महीने तो मेरा कुछ बिजनेस ही नहीं हुआ। फ़ोन आते हैं, क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है सर, हमको इंटरेस्ट है, ये है वो है, लेकिन वो बिज़नेस होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है कि एक ही व्यक्ति बार 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 फ़ोन करता है, एक ही नंबर होता है, खाली वो व्यक्ति अपना नाम अलग बताता है। तो अब वो पैकेज मैंने लिया था 25,000 का, तो अब तक जो है मेरा वो 25,000, समझो 3 महीना तो मेरा कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ, वो मेरा वेस्ट ही हो गया। हाँ, एक आध बिजनेस हो जाता है आपका, लेकिन अगर आपने 25,000 का पैकेज लिया है और आपका बिजनेस 10,000 हो रहा है तो मेरे हिसाब से वो नुकसान ही है। तो इसके लिए मैं उन सब चीज़ों पे कम ध्यान देता हूँ। मेरा 70% बिजनेस मेरा रेफरेंस से जाता है, 20% बिजनेस मेरा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाता है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये हो गया, और बचा 10% मेरे फैमिली सोर्सेस से जाता है, मुझे मिलता है। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको आगे किस तरीके से काम करना है। तो क्योंकि आप एक नए रियल इस्टेट एजेंट हो, नए प्रॉपर्टी डीलर हो, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है जो स्ट्रगल मैंने पहले किया है उसको थोड़ा आसानी से आपके थाली में परोस दूँ। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो तकलीफ़ें हमने उस दौरान की थी, हमारे समय में ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, लोगों के पास मेरे ख्याल से 2000 में मोबाइल आया था, वो भी सादा, 2003-04 तक जो है ये सब जो फुल फीचर्स वाले फ़ोन थे वो हाई क्लास के लोगों तक ही था, मिडिल क्लास तक नहीं था। ये बाद में 2004-05 के बाद जो है ये पब्लिकली हो गया, हमारे आपके हाथ में आया। तो हमने जो शुरुआत किया था हमने आपसे वही शेयर किया है, और आशा करता हूँ कि आप जितनी बातें मैंने आपसे कही है, जो आपके साथ आपके कलीग्स जो काम कर रहे, जो मैंने उन 7 मित्रों की बात किया था, 14 में से 7, ये आप उनको भी समझाइए, उनके भी दिमाग में डालिए कि हम लोग साथ में काम करते हैं, जो भी बिजनेस होएगा हम आपस में शेयर करते हैं। अगर आपका साथ वो जो 7 फ्रेंड्स हैं आपके, सॉरी 7वें तो आप हो, जो 6 मित्र हैं आपके, कोई एक मित्र आपके पास प्रॉपर्टी लाता है या क्लाइंट लाता है, तो अगर प्रॉपर्टी आपकी है, मतलब जो ऑनर ने डायरेक्ट आपसे संपर्क किया है, तो वैसी स्थिति में आप साइड बाय साइड बिजनेस कर सकते हो। इससे होगा ये ना कि मान लो 10,000 रेंट वाला हमने एक मकान किराए पे चढ़ा दिया, उसमें आपको आने 20,000 है, क्योंकि ऑनर आपकी तरफ से है और जो किराएदार है वो आपके दोस्त की तरफ से। तो जो किराएदार की तरफ से जो ब्रोकरेज आने वाला है आप वो अपने दोस्त को दे दीजिए, ऑनर का ब्रोकरेज आप रख लीजिए, आप दोनों का बिजनेस चल रहा है, सही है ना? उसका भी घर चल रहा है, आपका भी घर चल रहा है, उसको एक हौसला, उसमें एक जज्बा तैयार हो रहा है कि अरे यार इनके साथ काम करके मुझे 10,000 की इनकम हुई है, तो वो और मेहनत करेगा। उसको देख के जो बचे हुए जो 5 लोग हैं वो भी बोलेंगे अरे यार इसका तो 10,000 का इनकम हो गया, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे। ऐसे चल के आपकी टीम चलती है। देखिए मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आगे ये मैंने आज तक जितने आपके मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको जो भी डिटेल्स दिया है, या आपके जो है कहते ना लोकेलिटी के, मतलब आप जिस मोहल्ले में रहते हो ये उस एजेंट के मतलब डिटेल्स है कि आपके एरिया में आपको कैसे काम करना है। अब हम अगली वीडियो में जो है ना, आप एरिया से बाहर कैसे जंप कर रहे हो। मान लीजिए अभी मैं साइन कोलीवाड़ा में रहता हूँ, तो साइन कोलीवाड़ा में मेरी एक अच्छी पकड़ बन चुकी है, लोग मुझे पहचानना चालू कर दिए, शुरू कर दिए, लेकिन मुझे अब साइन कोलीवाड़े से बाहर भी जाना है। साइन कोलीवाड़े के आगे आता है, इस तरफ आता है साइन आता है, इस तरफ वडाला आता है, इस तरफ चेंबूर कुर्ला आता है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो मैं वहाँ के लिए अपना बिजनेस कैसे फैलाऊँ, कैसे वहाँ के क्लाइंट से संपर्क करूँ, कैसे वहाँ के लोगों के बीच में जाऊँ, ये पूरी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूँगा। लेकिन साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकॉन का बटन है, उसे प्रेस ज़रूर कीजिए।
ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो में बाकी की जानकारी आप आसानी से ले सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।